अपने घर में तो जीत ही जाते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अपने घर में वर्ल्ड कप भी है। फिर फास्ट बॉलिंग जितनी आपने तारीफ कर दी इतना नहीं है। आप मतलब दुनिया कह रही है कि यार पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, आप बोलो नहीं और शमी सिराज, अबे नहीं भाई उस तरह से सीरीज जीत जाओ ना, वो तो आइसिंग ऑन द केक हो जाता है, वो तो और ज्यादा बड़ी बात है। अच्छा, और पाकिस्तान नंबर 9 से चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता है, वो आइस केक में कुछ भी हो सलाम है। तो फिर आप क्यों अग्री अंदर आके बॉल मेरे लगेगी भाई, क्योंकि वो एक बंदा पूरी नेशन तबाह करने में लगी हुई क्रिकेट को। मैं उनकी तारीफ करूँ, मैं कभी नहीं करूंगा उनकी तारीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी स्पोर्ट्स बैठक में शामिल हो जाएं। तो भाई जिस तरह आपको पता है कि इस वक्त हर टीम एक दूसरे से मद्दे मुकाबले है ताकि वर्ल्ड कप की तैयारियां अपने अच्छे से कर सकें। बहुत सारी टीमें जो है वो अपना कम्बिनेशन सेट करने में लगी हुई हैं, अपने फ्लॉज पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई कर रही हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी इस वक्त चल रही है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो पहला मैच इनका होता है मोहाली के अंदर, जिसको डिस्कस करने के लिए आज हम बैठे हुए हैं अपने दोस्त ज़ुबैर और अली के साथ। तो भाई कैसा रहा पहला मैच आपको, शुरुआत जो है वो शमी ने और बुमराह ने जो की है उससे देख के जो है मुझको ये स्पिन जो हो रहा था कि भाई स्पिन बहुत ही वाइटल है, मेरे ख्याल में फास्ट बॉलिंग जो है वो उससे ज़्यादा वाइटल नज़र आ रही है मुझको। क्या कहेंगे इनकी बॉलिंग के बारे यार में? ऐसा तो नहीं है उन्होंने पिचें बदल दी, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ, मतलब यार उन्होंने शमी बुमराह ऐसे अपने तैयार कर लिया। अभी आप ये देखो सिराज बेंच पे, हाँ सही है, तो उसके बावजूद ये हाल है कि उनकी जो है 6 विकेटें जो है कल के मैच में आपके अटैकर्स ले गए, फास्ट बॉलर्स ले गए। और अच्छा, और हैरान कन बात यह कि स्पिनर्स कुछ नहीं कर पाए। हाँ, यानी स्पिनर्स ने मेकर 98 या 99 रन दे के 2 विकेटें लिए 20 ओवर में। एग्जैक्टली, मुझे यही हैरत हो रही है क्योंकि एशिया कप में भी हम कह रहे थे श्रीलंका में स्पिन वाइटल है, स्पिन वाइटल है, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने मैचेस जितवाए और 2 मैचेस ऐसे हुए जिसमें पूरी 10 विकेटें लिए हैं। अली भाई क्या कहेंगे ओपनिंग बर्स्ट बुमराह एंड शमी? यार शमी वमी छोड़ो, बेकार लोग, वो आप क्या बोलो, अभी अपने घर में तो ये लोग जीत ही जाते हैं, अपने घर में तो जीत ही जाते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अपने घर में वर्ल्ड कप भी है। फिर फास्ट बॉलिंग जितनी आपने तारीफ कर दी इतना नहीं है। आप मतलब दुनिया कह रही है कि यार पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, आप बोलो नहीं और शमी सिराज, अबे नहीं भाई, वो हमसे नीचे ही है फास्ट बॉलिंग में, चाहे वो कुछ भी कर ले। अभी तो वो परफॉर्म कर रहे हैं ना, हमारे वाले कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। यार देखो बुमराह का मैं कहता हूँ आपको कि बुमराह की जो बॉल मैं बहुत ज्यादा, शमी अच्छी करता है, बिल्कुल नहीं मैं मानता उसको कि वो बहुत अच्छी करता है। हारिस रऊफ से बड़ा बॉलर है शमी, नहीं खत्म हो गई बात कि कहाँ से। ये वही वाली बात है कि आप बोल दो कि यार सिराज बहुत आला बॉलर है, लेकिन सिराज से कई ज़्यादा विकेटें हारिस रऊफ ने लेके रखी हुई है, रैंकिंग में सिराज नंबर 1 है। तो ये अंड कशन चीज़ है जो इंडिया करता रहता है क्रिकेट को तबाह करने के लिए। देखें कर ही दिए उसने इस वक्त जो शमी की जहाँ तक बॉलिंग की बात है, तो ओपनिंग स्पेल जो उन्होंने किया है ना उसमें उन्होंने बिल्कुल जो है वो वाली लाइन लेंथ पे रखी जो कि रखनी चाहिए, लेकिन जब वो डेथ ओवर में आए हैं ओपनिंग वाली, जो आप ही कह रहे हो कि लाइन लेंथ पे रखी है वो सारा कुछ, ये भाई हमारे मोहम्मद शमी भाई भी कर लेते थे, सही है, लेकिन अब अच्छे ओवर फिर पिटे आते थे, लेकिन वो नहीं पिटा, उठा रहा है अंदर ला रहा है बाहर निकल कर रहा है। तो फिर आप क्यों अग्री अंदर आके बॉल, मेरे लगे कि भाई क्योंकि वो एक बंदा पूरी नेशन तबाह करने में लगी हुई क्रिकेट को। मैं उनकी तारीफ करूँ, मैं कभी नहीं करूंगा उनकी तारीफ भाई। देखो बात तारीफ की नहीं, आप स्पोर्ट्समैन, इंडिया को होम ट्रैक बुली नहीं कहते भाई, कहते हैं लेकिन बैटिंग में कहते हैं ना, देखें होम ट्रैक बुली कहते हैं लेकिन ये गलत है। 6 विकेटें आपकी जो है वो फास्ट बॉलर्स लेके जा रहे हैं, मैच खेलने आए तो वो आउट तो करेंगे ना, वो चाहे स्पिनर करे कुछ भी करे। अब वो फास्ट बॉलर आउट कर रहे हैं, बोलो नहीं और क्या हाला। अभी आप पीछे कह रहे थे कि यार उसमें एशिया कप में यार उनके स्पिनर खेल लें, अबे कहीं तो टिक जाओ, कहीं नहीं टिक रहे। जब जहाँ परफॉर्म करेगा हम तो देखें, मैं आपको एक बात बता चलूँ कि इंडिया को होम ट्रैक बुली जितना भी कहा जाता हो, वो वाहिद टीम है पूरे वर्ल्ड की जो इस वक्त जो है ना बाहर जाके भी जीतती है रेगुलरली, सही है। ऑस्ट्रेलिया में जाके लगातार 2 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को हराना, और इंडिया के घर जब ऑस्ट्रेलिया आए तो वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया को हराना, तो मेरे ख्याल में ये डिबेट जो है ना सेटल कर दिया भाई आपकी उनकी बैटिंग लाइन तो देखो। आप जब 36 ऑल आउट इंडिया को वो करते रहते हो ट्रॉल के, 36 ऑल आउट हो गए उसके बाद उनका कमबैक देखा था आपने ना, उनके पास उस टाइम पे कोहली था, वो कोहली भी घर चला गया था, वो जो बच्चों की टीम थी जिसमें सिराज और वॉशिंगटन सुंदर और आपका ये पंत वगैरह थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मार दिया था। 36 ऑल आउट होने के बाद ऐसा कमबैक होता है कोई? तो भाई जो बात है वो तो मानने की है, ये भी मानने की बात है ना कि 36 पे हुआ है आउट,
ये भी तो मानने की बात है ठीक है, कम बैक मारा कुछ किया, 36 पे भी तो आउट हुए, पाकिस्तान आउट हुआ 36 पे, ये तो पाकिस्तान आउट हुआ 36 पे, बाबर आजम पाकिस्तान आउट हुआ 36 पे, हट धर्मी पे हट गए भाई, जो अच्छा कर रहा है 36 ऑल आउट होने के बाद जो है ना, अगर आप इस तरह से सीरीज जीत जाओ ना, वो तो आइसिंग ऑन द केक हो जाता है, वो तो और ज्यादा बड़ी बात है। अच्छा, और पाकिस्तान नंबर 9 से चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता है, वो आइस केक में कुछ भी सलाम है भाई, उसको आप जलेबी भी नहीं मान रहे। मैं तो मानता हूँ उसको, मानता हूँ मैं, सब मानता हूँ। मानो आप, इंडिया पाकिस्तान एक है, बहरहाल आप लेवल, बहरहाल आप उस पर बताएं मुझको कि सबसे पहले मिचेल मार्श तो जो है वो आउट हो गए जल्द, लेकिन वार्नर और स्मिथ की जो पार्टनरशिप लगी है, हालांकि स्मिथ जो है दो मेडन ओवर खेले बुमराह से, उनको बॉल नहीं समझ आई, लेकिन बिल्कुल पैनिक नहीं किया, उसके बाद उन्होंने हल्के हल्के अटैक करना शुरू किया और सेंचुरी से ऊपर का स्टैंड लगाया है। वो पाकिस्तानी टीम नहीं थी, यही अगर पाकिस्तानी टीम होती तो मेरे ख्याल ये हम लोग शायद 54 पे पैक हो जाते। सीरियसली कह रहा हूं, बॉल मूव कर रही थी बहुत अच्छी, मूव अच्छा कर रहा था, लेकिन उन्होंने वेट करा, फिर उसके बाद वेट करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने एक फाइटिंग टोटल दे दिया। सही है, मोहाली की पिच पे हालांकि 275 फाइटिंग टोटल भी नहीं खेला था, लेकिन जिस तरह का बॉल मूव कर रहा था, अब उनका वो मुझे था। लग रहा था कि यार ये जो है जिस तरह का बॉल मूव कर रहा है, मैंने बोला यार इन्होंने इस हिसाब से बहुत ज्यादा बनवा दिया इंडिया ने। हाँ। सही है, चूंकि एंड में फिर शामी वामी सब पिटे। मैं आपको एक बात बताता चलूं, आपने क्या बोला है कि 5 आउट हो जाते तो पाकिस्तान के 54 पे सब हो जाते, 0 पे 3 थे और पाकिस्तान मैच जीत गया था, कामरान अकमल वाला, भूल गए आप? तो ऐसे तो हमने ऐसे तो शाकार भरे पड़े हमारे पास, नहीं भाई ऐसे तो शाकार भरे पड़े हैं, आप वो संगाकार वाला है, आप क्यों बोल रहे हो 54 मैच भूल गए, आप अफरीदी का वो वाला मैच भूल गए, बहुत सारी एग्जांपल यार, 1000 भाई 1000 मैचेस हैं पाकिस्तान के इस तरह के, बिल्कुल, लेकिन हम बात वही है, मानते हैं इस मैचेस हैं, लेकिन करंटली तो हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया डिस्कस कर रहे हैं ना यार, सही है, तो उसके अंदर थोड़ा सा अली भाई, आप थोड़ा सा से बाहर आए भाई, फॉर्मूले की बात नहीं है। हाँ देखो, सीधी सी बात है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, एक को जीतना था एक को हारना था, ठीक है, ये बात क्या आपको नहीं पता कि इंडिया में जब मैचेस होते हैं तो इंडिया के अलावा तो कोई जीतता ही नहीं है, ये बात कितनी हमने 2011 के वर्ल्ड कप में भी वही देखा, तो ये कि भाई किस तो तरह से ऑस्ट्रेलिया कैसे मार के गया था इंडिया को, नहीं भाई तो इंडिया इंडिया में जीतता है सही है, लेकिन तो ये अपनी परफॉर्मेंसेस से जीतता है ना, या कोई और वजह होती है, हम लोग क्यों नहीं जीतते हैं अपने घर के अंदर, हमारी तो यार अब वो फिर मैनेजमेंट पे बात जाएगी, उसमें मैं फिर अभी पढ़ने नहीं जा रहा टॉपिक, तो वो सही है ना, मैं इस वजह से तो कह रहा हूँ कि मतलब जो मैच है कम से कम हमें उसको तो वो अप्रिशिएट करना चाहिए ना, कि शमी की जो बॉलिंग है, आपने ओपनिंग बर्स्ट भी उनका अच्छा था, डेथ ओवर में भी उन्होंने जब मारने पे गए हुए थे सब लोग, तो वहाँ पे उन्होंने अपने स्लो रन से आउट किया, तो वो तो तारीफ तो बनती है शमी की। और उसके बाद जो है मैं आपको एक और चीज़ बोल दूँ कि ये बेहतरीन जो है ना प्रैक्टिस हो रही है दोनों टीमों की, बैट और बॉल के बीच में मुकाबला नज़र आ रहा है, सही है, अब ऑस्ट्रेलिया के हर एक बंदे को स्टार्ट मिला, इवन नीचे से जो है वो जॉर्श इंग्लिस और आपका कमिंस ने भी छोटे कैमियो खेल के टोटल को 275 तक पहुंचा दिया, लेकिन ये इनकी फील्ड वो थी बैटिंग लाइनअप कि मतलब इसके अंदर कोई सेंचुरी नहीं थी, कोई लंबा नहीं टिका, लेकिन ये फील्ड, हाँ 35 तो आप ये नोट करो कि कैलिबर चेक करो कि जो टीम की बैटिंग फेल हो रही है वो फिर भी 275 बना रही है, तो हमारी बैटिंग अगर फेल होती है तो हम तो मेरे ख्याल में वही करते हैं जो इंडिया वाले मैच में हमने किया था कि 128 पे पैक हो जाते हैं, तो दिस इज़ द लेवल जो हमको अभी कैचअप करना है कितना ज़्यादा ऊपर जाकर। तो आप ही इतनी बातें करते थे ना कि इंडिया को समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, तो आप ही करते थे। हाँ 152 वाले मैच के बाद जो है मैं पाकिस्तान इंडिया का उसी तरह से कंपैरिजन कर रहा था, इतनी बड़ी, मैं आपसे कहता था उस वक्त यार इतनी बड़ी बातें नहीं करो, इंडिया का एक मैच आना है और वो कमबैक कर जाएगा, अभी आप देख लो वो तीनों फॉर्मेट में नंबर वन आ गया, अब आप ये भी बोल दो कि भाई वो जो हमारा था वो भी बेमंडी हुई है, उसमें भी कुछ हुआ है, किसमें भाई तीनों में नंबर वन हो गया इंडिया, इंडिया और T20 और टेस्ट तीनों में, तो अभी तो बाबू हुए आपका पाकिस्तान भी हुआ था कुछ दिन पहले, तीनों में नंबर वन हुए, नहीं तीनों में नहीं, मैं रैंकिंग की बात, मैं रैंकिंग रैंकिंग के हक में तो कभी होता ही नहीं हूँ ना, ये आपको पता है, पीछे प्रोग्राम्स में मैं कहता रहा हूँ कि यार रैंकिंग वैंकिंग ये वो, हम पाकिस्तान की अगर बात करें हम रैंकिंग के काबिल नहीं है, हम जो है अनप्रेडिक्टेबल है और हर कोई हमें थ्रेट समझता, हम वही है ना, हम उससे आगे जा रहे हैं ना पीछे आ रहे हैं, आगे जाना चाहिए, लेकिन जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, मैं वही आपको कह रहा था, हम बड़ी टीम की तरह जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है स्किल्स में, मैं आपको कह रहा था कि हम सेम होते हैं, लेकिन कहानी कहाँ आती है कि आप किसका जो है कौन प्रेशर ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है, वो इंडिया कर लेता है, हम वहाँ फंस जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको
इन चीजों में ग्रूम किया इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे स्ट्रॉन्ग किया मैं इसी चीज को थोड़ा सा हमारे यहाँ किस चीज में स्ट्रॉन्ग किया जाता है सियासतें कर लो दोस्तियां या बिल्कुल बिल्कुल इसी चीज को आगे लेके जाते हैं कि भाई इंडिया की बैटिंग जब शुरू हुई तो उन्होंने अपने रोहित शर्मा को रेस्ट दिया हुआ था और वो खेलने आए थे गायकवाड़ शुभमन गिल के साथ। अब गायकवाड़ का मैं आपको रिकॉर्ड बताता चलूँ कि लिस्ट ए में उन्होंने 74 मैचेस खेले और 60 के एवरेज से रन बनाए। फर्स्ट क्लास में उन्होंने 28 मैचेस खेले और 42 के एवरेज से रन बनाए। सीएसके में एमएस धोनी के अंडर वो खेलते रहे हैं और दूसरी तरफ मैं कंपेयर कर रहा हूँ उनको मोहम्मद हारिस के साथ जिन्होंने सिर्फ 40 लिस्ट ए के मैचेस खेले और 29 के एवरेज से रन बनाए और सिर्फ 5 फर्स्ट क्लास हैं। हारिस के सिर्फ 5 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं और वो वर्ल्ड कप खेलने टीम के साथ जा रहे हैं और यहाँ गायकवाड़ जो है जा नहीं रहा रिजर्व में है नहीं जा तो रहा है ना वो किस बेसिस के ऊपर जाता अबे तो रिजर्व भी जाते तो है ना स्क्वाड का तो हिस्सा तो है ना स्क्वाड का मतलब आपका मेन बंदा तो है ना बाबर का वो लेवल्स चेक करो आपके एक बंदा वहाँ पे 74 मैचेस खेलने के बाद और फर्स्ट क्लास भी जो 28 खेलने के बाद टीम में और आपने देखा उसके चेहरे पे इतनी सी भी जो है ना गायकवाड़ के चेहरे पे इतनी सी भी टेंशन नहीं थी कि मेरा मैच है मैं अगर नहीं चला तो मेरे कैरियर का क्या होगा ये वो इसने फ्रीली उसने खेला है कमिंस को खेला है उसने 150 की पार्टनरशिप उन्होंने गिल के साथ बनाई है और क्या खेले हैं भाई वो क्या कहेंगे इस बारे में भाई ये होता है लेवल के ऑस्ट्रेलिया भी ग्रूम करके प्लेयर लाता है ऐसे टेस्ट कैप और वो जो है ना वनडे कैप बांटते नहीं रहते हैं वो लोग देखो फिर वही बोलूंगा आप ही बोल रहे थे इंडिया को समझ नहीं आ रहा किसको लें किसको ना रह लें आप ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं देखो ना उनका सारा हर चीज भाई उनकी सॉर्टेड है उनको कोई उनकी हर चीज क्लियर है कि यार उनका एक वो कल का बच्चा आया हुआ वो उसने कहा कि पूरे गिल के साथ मैच निकाल दिया अगर इनकी पार्टनरशिप नहीं लगती तो फिर मसला होता है इनको नहीं कोई मसला नहीं होता मेरे ख्याल में नीचे से कवर कर लेते हो मैं वही बोल रहा हूँ ना नीचे तक बात ही नहीं चार आउट पर 275 चेज हो गया और नहीं भी कवर होता तो नीचे से बेमानियां करना शुरू कर देते 2011 में भी तो की है जैसे उनके अंपायर वगैरह है ना बस मतलब ये जो है किसी लोकल ग्राउंड में क्रिकेट हो रही है इंटरनेशनल मैच तो हो नहीं रहा ये चलो चले उसके बाद हम आते हैं कि भाई ये जब 3 विकेट इंडिया की गिरी किशन भी आउट हुए दोनों ओपनर्स आउट हुए तो लग रहा था मैच थोड़ा सा फंस गया लेकिन फिर वही केएल राहुल और ये आपका जो स्काई हैं ये लोग जो है इनका काफ़ी डामाडोल रहा है इनकी फॉर्म इनकी फिटनेस लेकिन आके उन्होंने मैच फिनिश किया जिम्मेदारी के साथ जबकि सीनियर्स प्लेयर मैच से मिसिंग थे तो उन्होंने बिल्कुल जिम्मेदारी ली और इजीली मैच को फिनिश कर दिया क्या रन बॉल करके उन्होंने रन बॉल खेले स्काई हालांकि मुझे बिल्कुल वो वहाँ का हारिस लगता है मुझे सही है ना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन यार कल की इनिंग बहुत अच्छी खेली उसने और केएल राहुल तो यार हमेशा से अच्छा है और वो हमने उसको और पक्का कर दिया है सेंचुरी के बाद पक्का कर दिया और हमने उसका जो हमने कॉन्फिडेंट हमने उसको लिया था फिर हमने उसको खुद प्लेट में रख के दे दिया एशिया कप में सर जी हमसे गलती हो गई ये ले वापस ले लें आप क्या कहेंगे अली भाई राहुल के बारे में राहुल के बारे में हाँ राहुल सही खेला वो तो देखो पाकिस्तान के खिलाफ भी सही खेला था कि वो वाली इनिंग ठीक है यार वो हारिस शाहीन और हारिस तो खैर नहीं था शाहीन और नसीम के आगे खेला वो खेल लिया था उसको हमने वो सही कह रहा है कॉन्फिडेंस हमने ही बहाल करके दिया उसको तो अब वो खेल रहा है अब ये भी एक हकीकत है यार कि आप मानो उधर उस वाली साइड पे भी हेजलवुड नहीं था स्टार्क नहीं था वहाँ एक जैम्पा था जो एक अजाब बना हुआ था उनके लिए थोड़ा सा उसको बस उन्होंने कवर कर लिया और हो गया और वही वाली बात नीचे फिर जडेजा भी था ठाकुर शाकुर भी थे वो बन ही जाते हैं किसी ना किसी ना तो ठाकुर तो 78 रन दे के आए हैं वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा उसको चलें चलें गाइस बात ये है कि भाई इन दी एंड इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है क्योंकि वो जब कोई टीम टेस्टिंग कर रही होती है ना तो वो जो है हारती है और उस पर कोई मसला नहीं होता हम भी अफगानिस्तान से अपने बच्चों को भेजा था हम वो सीरीज़ हार गए थे तो कोई इशू नहीं हुआ था कि चलो बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट हो गई लेकिन इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ ऐसी है कि वो बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट भी कर रहे हैं तो वो मैच भी जीत रहे हैं तो मतलब इंडिया के बहुत सारी चीज़ें सारी सॉर्टेड नज़र आ रही हैं बिफोर जस्ट बिफोर द ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट तो हम कोशिश यही करेंगे कि भाई इंडिया की जो प्रोग्रेस है उसमें रुकावट डाली जाए हम भी जो है उस लेवल पर क्रिकेट खेलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वर्ल्ड कप को हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा आपसे जल्द मुलाकात होगी सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ भाई सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं शुरू में बहुत अच्छा रिस्पांस था आप लोगों का लेकिन नहीं वो वीडियोस तो देख रहे हैं ना वो लोग वीडियोस तो देख रहे हैं बस सब्सक्राइब नहीं करो भाई चलो भाई सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी
बॉल मारो आसिफ बन बन गए। बेल आइकन पे जो है बॉल मारो या कुछ भी करो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।